to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So today is first और आज का सीन ऐसा है कि मैं एक्चुअली मेरे को जिससे बाइक ली थी मैंने उनके पास में GoPro Hero 9 वो काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है और वो यूज़ नहीं कर रहे हैं. सो आई थॉट टू बाई इट क्योंकि जो Hero 7 ब्लैक है उसमें मैं फेस एक्चुअली डिफ़िकल्टी ये किया कि जैसे ही मैं लद्दाख राइड गया था तो उस टाइम पे Hero 7 ब्लैक है उसको रात में रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एंड ऊपर से आई थिंक ये 12 मेगापिक्सल का कैमरा है तो सेंसर भी छोटा है तो उसकी वजह से जो ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आ पाती. सो दैट्स द रीज़न आई एम गोइंग टू बाई Hero 9. तो जितने भी प्राइस में बोलेंगे तो ठीक है वो ले लेंगे ताकि जो अपना व्लॉग का क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए क्योंकि इसमें मेरे को काफ़ी चीज़ें कलर ग्रेड करके करेक्ट करना पड़ता है. सो दैट इज़ द मेन पॉइंट. अभी वहाँ पे जाएंगे और जो सेकंड रीज़न है व्हाई आई एम आउट हियर इज़ जो अभी जैसे कि 4th को दिवाली आने वाली है सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बाई फ्रॉम द लोकल वेंडर्स जो कि जो भी छोटी छोटी शॉप्स होती हैं जो वहाँ पे बेचते हैं तो उनसे ख़रीदना बहुत ही अच्छा रहता है कि ताकि उनको भी प्रॉफिट हो जाए. दिया ख़रीदने जा रहा हूँ छोटे छोटे शॉप से. तो यहाँ से अभी हम लोग क्या करेंगे अब्दुल भाई के शोरूम में जाएंगे वहाँ से जाके GoPro उठाएंगे और उसके बाद जो बाकी एक्सेसरीज रहेगा उसके साथ में माइक अडेप्टर आई थिंक सो माइक अडेप्टर मेरे को नहीं चाहिए रहेगा क्योंकि GoPro Hero 7 ब्लैक का और सारे ही मॉडल्स का इवन सेम है. बस मेरे को एक केस चाहिए रहेगा जो कि मैं हेलमेट के आगे माउंट कर पाऊँ जिसमें कि मेरा अडेप्टर भी माउंट हो जाए और उसके अलावा मैं देखूँगा एक चार्जिंग केस जिसमें कि मेरी 3 बैटरीज चार्ज हो पाए. तो दैट इज़ द थिंग. अभी क्या करेंगे वहाँ पे पहुँचेंगे GoPro 9 लेके. आज तो खैर उससे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा. ट्राई करूँगा अगर रिकॉर्डिंग हो सकता है आई थिंक सो मैं माउंट तो कर सकता हूँ क्योंकि GoPro Hero 9 में ऑलरेडी ही नीचे जो है उसका एक केस आता है तो अगर उससे काम बन जाता है देन आई विल रिकॉर्ड अदरवाइज देखते हैं. तो ये है अब्दुल भाई का शॉप. ये एक्चुअली कार और बाइक्स दोनों के ही डील करते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे कॉन्टैक्ट डाल दूंगा अगर किसी को इनसे पता करना है सेकेंड हैंड बाइक्स का सुपर बाइक्स का तो पता कर सकते हैं. तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि अपने को Hero 9 तो मिल गया है बहुत सही प्राइस में मिल गया तो अभी अपने व्लॉग का क्वालिटी थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा क्योंकि ये वाला जो है इसका थोड़ा सा सीन ये रहता है कि ये एक तो लो लाइट में परफॉर्मेंस कैमरा का अच्छा नहीं है बट मतलब ओवरऑल वैसे ठीक है देखा जाए तो. ऐसा कि जब मैंने लिया था तो 8 ब्लैक लॉन्च हुआ था और उस टाइम पे 7 ब्लैक का प्राइस थोड़ा सा ठीक आ गया था तो मैंने ले लिया. इंडियन मेंटेलिटी है भाई तो थोड़ा सा जब प्राइस कम आया था नया लॉन्च होने के बाद तब खरीदते हैं. अब यहाँ से थोड़ा सा एक दो काम और है उसके बाद में हम लोग ख़रीदेंगे जो दिया हम लोगों का जो सेकंड मोटिव था आज की राइड का. जो GoPro Hero 9 जो मैंने ख़रीदा है उसका डिसेंट प्राइस मिल गया है और अगर आप लोगों को देखना है कैसा है देन यू कैन चेक आउट माई इंस्टाग्राम ID विच इज़ विकेट राइडर ऑफिशियल. उसके अलावा एक अपडेट और है कि मैंने जो भी लद्दाख राइड के एपिसोड्स डाले थे तो अगर आप लोगों ने अगर लद्दाख राइड के जो एपिसोड्स हैं नहीं देखे हैं देन यू कैन वॉच इट फ्रॉम द आई नोटिफिकेशन विच इज़ कमिंग राइट नाउ. प्लेलिस्ट है 10 व्लॉग आ चुके हैं अभी लद्दाख राइड के आप लोग देख सकते हो. उसके अलावा अभी जो बाकी व्लॉग्स हैं वो आने वाले हैं. अभी ऐसा है कि थोड़ा बहुत दिवाली का भी शॉपिंग शुरू हो चुका है. अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ से जाएंगे और जितने भी छोटी शॉप्स रहते हैं जो दिवाली के दिए बेचते हैं वहाँ से बाई करेंगे क्योंकि उनको मतलब क्योंकि हम लोगों को उनसे ख़रीदना चाहिए अच्छा रहता है. अदरवाइज़ किसी भी बड़े शॉप से ख़रीदोगे कहीं कुछ चाइनीज़ आइटम आता है या फिर तो डोंट प्रमोट दैट एंड बेटर है कि छोटा शॉप से ख़रीदो. अभी जो हम लोगों का बाहर निकलने का सेकेंड मोटिव था दैट इज़ वोकल फॉर लोकल. तो अभी यहाँ पे छोटा शॉप्स देखेंगे जहाँ पे भी दिए मिलेंगे वहाँ पे जाके देखते हैं और वहीं से बाई करेंगे ताकि उन लोगों का भी प्रॉफिट हो एंड कोई नेगोशिएशन नहीं करना है. जिसने भी जो प्राइस बोलते हैं वो वैसे भी जेन्युइन बोलते हैं तो उनका बनता है उतना. तो लेट्स सी कहाँ कहाँ पे मिलता है शॉप्स. जैसे ये एक शॉप है यहाँ पे तो यहाँ से बाई कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे दिए हैं
तो यहाँ से बाई कर सकते हैं। जो भी छोटी शॉप्स हैं वहाँ से जाके परचेज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। और इधर पे है, कौन से वाले लेने वैसे? ये लेने के, बड़े वाले लेने थोड़े से? ये दो तीनों एक ही साइज़ है क्या? हाँ एक ही साइज़ है, वो बड़े वाले हैं वो सही है। तो देखो मतलब इस चीज़ की एक खासियत रहती है, मतलब यहाँ पे जो भी बनाते हैं ना, मतलब इतना अच्छा बनाते हैं, छोटा छोटा दिया या बड़े डिज़ाइन में ले लो। तो एक ये वाला आ गया एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है दिवाली के लिए शॉपिंग करना। एक ऐसा वाला दिया लेंगे, एक छोटा वाला, मतलब या तो ये बड़े वाले लेंगे, कौन सा लेना है? तो 50 रुपीस का 12 है इसमें से, ये और ये अलग है क्या? अच्छा मतलब ये छोटा है ना। अच्छा ठीक है, एक ये वाले ही दे दो। और इसमें से कौन सा? तो इसमें ये वाले जो हैं ये 40 रुपीस के डज़न है, मतलब 40 के 12, और वो वाले 50 रुपीस के डज़न, मतलब 50 रुपीस के 12। तो बहुत जेन्यून सा प्राइस रहता है। अब इसमें नेगोशिएशन क्या कराना है, तो इसलिए नेगोशिएशन मत कराया करो जब भी यहाँ से लेते हो। इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर दी शॉप्स, क्योंकि इनसे इनका भी घर चलता है। और बाकी जो शॉप्स रहती है वहाँ पे तो ऑलरेडी आप लोग सुपर मार्केट या फिर कहीं पे भी जाते हो तो वहाँ तो मिल ही जाता है। तो इट्स ऑलवेज गुड टू बाई इट फ्रॉम। मतलब देखो यहाँ पे एक, मतलब यहाँ छोटी शॉप से लेने में फ़ायदा ये है, मतलब इससे भी छोटी मिल जाती है बट बैंगलोर में मिल नहीं रही है। बट ऐसा है कि ये रोड साइड शॉप्स हैं तो इनको भी प्रॉफिट होना चाहिए, तो इसलिए डोंट बार्गेन इफ यू आर कमिंग हियर। और यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे दिए हैं, जब ये वाला भी है घर के लिए, थोड़ा सा लाइट में आकर दिखाता हूँ कैसा है। ये कुछ इस तरीके से है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। जो टोटल बिल हुआ दैट इज़ जस्ट 160 रुपीज़, तो मतलब आप सोच सकते हो कि कितना ही कम प्राइस में हो जाता है। इट्स ऑलवेज गुड टू बाई फ्रॉम दिस लोकल शॉप।